जब अपने प्रत्याशियों के साथ ही ये नियम का फॉलो नहीं कर रही है तो फिर ये बताइए कैसे जनता के साथ फॉलो करेगी। अभी आप भारत देश आजाद हो गए लेकिन पौड़ी आजाद नहीं हुए, 70 साल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी को टिकट नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह से विश्वास करके जाए? हम ये चाहते हैं कि किसी भी नए चेहरे को हम में से पास टिकट रहता है तो इसकी जमानत जब्त हो। अभी हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता टिकट मांग की को लेकर यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता एवं कुछ विधायक अपने टिकट की मांग को लेकर यहां पर आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर आपका? मैं आम बामनवास विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और पार्टी अपनी गाइडलाइन पर काम नहीं कर रही है। ये एक बात बताइए, जब नियम बना करके अपने नियमों पे नहीं चल रही पार्टी तो हम कल घोषणा पत्र पे कैसे विश्वास करेंगे पार्टी के पे? हम कभी विश्वास नहीं कर सकते घोषणा पत्र पे। जब पार्टी ने अभी नियम बनाया है उस पे खरी नहीं उतर रही, कल घोषणा पत्र पे कैसे विश्वास करें? मैं पूछता हूँ प्रदेश नेतृत्व से, कल ये घोषणा पत्र करेंगे जारी करेंगे, हम युवाओं के लिए ये करेंगे, बेरोजगारों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे? एक बात बताइए, जब अपने प्रत्याशियों के साथ ही ये नियम का फॉलो नहीं कर रही है तो फिर ये बताइए कैसे जनता के साथ फॉलो करेगी? अभी आपकी क्या मांग? हमारी ये मांग है कि बामनवास विधानसभा क्षेत्र का टिकट बदल करके जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जाना चाहिए और बदलना पड़ेगा पार्टी को। हमारी कार्यकर्ताओं की मांग है और जनमानस की ये मांग है। इस प्रकार की दादागिरी नहीं चलेगी, वंशवाद नहीं चलेगा, एक परिवार की दादागिरी नहीं चलेगी, बरसों से उसी परिवार को टिकट दिया जा रहा है। एक बात बताइए, आप आराम से डायरेक्टर के टिकट पड़े तो उसी परिवार को, प्रधान का मिले तो उसी परिवार को, एक बात बताए जब विधायक का नंबर आए तो उसी परिवार को। मैं 25 साल से दरी बचा रहा हूँ, मेरा नंबर कब आएगा? दूसरे कार्यकर्ता का नंबर कब आएगा? सर आप कहाँ से? बामनवास से है। हमारी मांग ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट जमीनी कार्यकर्ता को न देकर एक वाईफाई के नेता को टिकट दिया जो पिछले चुनाव के अंदर 50,000 वोटों से आ रहा है, और हमको भरोसा था, शीर्ष नेतृत्व पे भी भरोसा था कि अब की बार पार्टी अच्छा निर्णय करेगी, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बार बार यही बोलता है, मीडिया के सामने भी यही बोलता है, वीसीओ के माध्यम से भी यही बोलता है कि अब की बार हम राजस्थान प्रदेश के अंदर वंशवाद नहीं करेंगे, एमएलए के बेटा को टिकट नहीं देंगे, एमपी के बेटा को टिकट नहीं देंगे। लेकिन इतना होने के बावजूद भी पार्टी ने हमारे बामनवास के अंदर 51 साल से उसी कैंडिडेट को टिकट देती आ रही है, पहले पिताजी को, बाद में दादाजी को, फिर पिताजी को, फिर बेटी को, और फिर अब बेटे को, और अब पोती को। ऐसा निर्णय हमने जिंदगी में पहली बार देखा है, ऐसी पार्टी पहली बार देखी है। 70 साल में हमारी बौड़ी आज़ाद नहीं हुई है, भारत देश आजाद हो गए लेकिन पौड़ी आजाद नहीं हुई है। 70 साल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पौड़ी को टिकट नहीं दिया, जबकि कांग्रेस जब भी वहाँ टिकट देती है तो हजारों मतों से वो कांग्रेस। अभी आप किस कहते हैं? अभी हम बामनवास से, हमारे रामोतार जी मीणा है, केदारलाल जी मीणा है, रेखा जी मीणा है, अर्केश जी मास्टर है, कई सारे प्रत्याशी हैं, उनको टिकट देना। अगर पार्टी इन प्रत्याशियों में से किसी भी एक आदमी को टिकट दे देती है तो हम कहते हैं कि पार्टी के प्रत्याशी को 11 बजे हजारों मतों से जिताकर हम प्रदेश कार्यालय भेजने की जिम्मेदारी रखते हैं। तादाद की संख्या में हमारे साथ में कार्यकर्ता, ये गारंटी के साथ में हम प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय हमें निराश कर दिया। देश के प्रधानमंत्री बार बार में ये कहता है कि वंशवाद नहीं चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा, मतलब परिवारवाद नहीं चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की बातों का और नियमों का कहाँ है? उन सबको ताक में रख के देश, जो हमारे संगठन मंत्री लगा रखे हैं चंद्रशेखर जी, उसने ताक में रख दिया, प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी यहाँ लगा रखा अरुण सिंह जी, उनने नियमों को ताक में रख दिया। मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय हमें स्वीकार नहीं होगा, और हम कार्यकर्ता पार्टी के इस निर्णय को नकार कर कोई ना कोई विकल्प सोचने की तैयारी में है। ऐसा मैसेज देने के लिए आज हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, ये सारी जनता की मांग है, ये प्रदेश के सभी ने मतलब पधारे हुए कार्यकर्ताओं की मांग है। सर राजेंद्र जी मीणा को टिकट दिया है, उनमें क्या कमी है जिसकी वजह से आप यहाँ पे प्रदर्शन कर? रामोतार जी मीणा 25 साल से घर घर की सातों जात की सेवा में तल्लीन है। राजेंद्र ने कभी एक रुपये का भला एक घर की सेवा नहीं की, और यह विश्वास 70 साल में भी आज हम जगह की जगह हैं। मोदी जी कहते हैं युवाओं को टिकट देंगे, हमारा युवा उम्मीदवार है और घर घर से जुड़ा हुआ आदमी है और उसका टिकट काट दिया गया, तो वंशवाद में आज चार चार पीढ़ी को टिकट दिया जा रहा है, और 70 साल देश को आजाद हुए हम आज भी बामनवास क्षेत्र जगह की जगह है, और हमको अंधेरे में डाल रखा है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने जिला अध्यक्ष ने प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह किया है और हमारे क्षेत्र की हत्या की है। हमको रामोतार को टिकट चाहिए, इसी वजह से हम आए हैं। हमारा युवा उम्मीदवार 25 साल से बच्चे बच्चे की सेवा कर रहा है, आज बामनौर शहर में
चाहे बोली क्षेत्र देखो, बामनो क्षेत्र देखो, ऐसी कोई जगह नहीं अगर जिस गांव के अंदर इसको नहीं जानता हूँ। देखिए सर, कुछ महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। मैं साहब, हम तो इस राजेंद्र मीणा को टिकट नहीं देने जाते, हम तो सीताराम जी की तरफ है, हमारे कोई भी सुविधा नहीं है कहीं भी, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे यहाँ से, यहाँ ही रहेंगे। हम तो हमारे को टिकट मिलेगा जब ही हम जाएंगे यहाँ से, नहीं यहाँ ही पड़ाव दे लेंगे, जयपुर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आपकी क्या? जो कार्यकर्ता 25 साल से काम कर रहा है, अगर आप उनको नहीं दोगे टिकट तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। हमारी नारी शक्ति का एक ही नारा है कि हमें उनको टिकट दिलवाना है हर हालत में। आप किसको टिकट? रामतार भाई साहब को, नेकदल नजर रहेंगे, टिकट नहीं देंगे। तो हमको ये सिखाया जा रहा था कि पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसमें वंशवाद नहीं चलता, इसमें पूंजीवाद नहीं चलता, इस तरीके का हमें सिखाया जाता है। मैं खुद मंडल अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन एक ऐसा चोर जिला अध्यक्ष बनाया सवाई माधोपुर में जो ये कहता है कि मैं 20 लाख रुपए दे के मंडल अध्यक्ष, हाँ सुशील दीक्षित जिलाध्यक्ष बन के आया, कहता है 20 लाख रुपए दे के जिलाध्यक्ष बनाऊं। उसने आते ही वो जितने भी मंडल अध्यक्ष अच्छा काम कर रहे थे सबसे पहले उनको हटाया, और हमने शीर्ष नेतृत्व को कम से कम 50 बार लिख के दिया, हमको हर बार ये कहा विचार कर रहे हैं, और उन लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया जिन्होंने पंचायत राज चुनाव में पार्टी के खिलाफ खुला विरोध किया, पार्टी प्रत्याशी के साथ काम नहीं किया, ऐसे लोगों को मंडल अध्यक्ष बना दिया, और अब ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसने जीवन में 50 साल से कार्यकर्ता उनको वोट देते आ रहे हैं, उनके परिवार को पार्टी टिकट देती आ रही है, लेकिन खुद के अलावा उन्होंने जब तक उनको टिकट नहीं मिला उसके अलावा खुद के अलावा कभी पार्टी को वोट नहीं दिया। जब जब भी पार्टी ने उनको टिकट से वंचित रखा तो उन्होंने विपक्ष में ही वोट डाला है। अभी पंचायत राज चुनाव में खुद की बेटी प्रधान है, लेकिन जो और लोग जिनको टिकट मिला था पंचायत से बीजेपी से, उनको सबको हरवाया, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और सबको हरवा दिया, और आज उस जिला अध्यक्ष ने उन्हीं लोगों को जिला की कार्यकारिणी और मंडल कार्यकारिणी में ले रखा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध है पुनः विचार किया जाए और टिकट ऐसे कार्यकर्ताओं को दिया जाए जिसमें कार्यकर्ताओं की भावना है उनको दिया जाए। 50,000 से हारने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है तो बिल्कुल नहीं चलेगा। पूर्व प्रधान रेखा मीणा, मैं भी बावनवास बोली से विधानसभा की दावेदारी हूँ, दावेदारी कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जिस आदमी को टिकट दिया है वो पहले ही 50,000 से हार कर बैठा है, तो इस बार तो वो 80,000 से हारेगा, तो मतलब 20,000 तो उसके वोट आए। तीसरे नंबर पर रहा है जो निर्दलीय नवल लड़ा है, नवल मीणा, वही दूसरे सेकंड नंबर पे रहा है, तो वो कहाँ से अपनी बार सीट निकाल के देगा। हम चाहते हैं कि ये परिवारवाद वंशवाद मिटना चाहिए, वो उसी की बेटी को उसने प्रधान बनाया है, और जो भी आप जो चेयरमैन आए के होंगे पहले से चल रहा है कि हम ही बनेंगे, तो मतलब जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी पे किस तरह से विश्वास करके जाए। हम ये चाहते हैं कि किसी भी नए चेहरे को हम में से टिकट देना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकाल के देंगे। अगर इस आदमी के ये पास टिकट रहता है तो इसकी जमानत जब्त हो। 70,000 से 80,000 से हारेगा। जो गांव में वो घूम रहा है 5 साल में तो गांव में गया नहीं, और अभी जो गांव में घूम रहा है उसके साथ 2 आदमी घूम रहे नहीं है, ये कोई कैंडिडेट है क्या? और भयंकर इसका विरोध हो रहा है। अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं तो हम कितने लोगों के यहाँ भर के लेके आते, अभी गांव में जाके देखो आप, उसके लिए पूछो ना, तो वो सर्वे में था ना कोई उसकी था कि इसी को टिकट मिलेगा, और पार्टी ने कहा था कि 10,000 से ज्यादा हारने वाले को टिकट नहीं मिलेगा, फिर उसको टिकट क्यों मिला? हम चाहते हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम चाहते भाई भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलनी ही चाहिए, पर इस आदमी के पास अगर टिकट रहा तो ये सीट नहीं निकली। जमानत जब